ये वोकेबलरी की हमारी क्लास नंबर तीसरी है, और एक बार फिर से नए या आपके जाने हुए 7 शब्दों के साथ में फिर आपको टेस्ट करनी है अपनी वोकेबलरी। क्वेश्चन नंबर पहला है ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स होता है तुच्छ, या कह सकते हैं आप नगण्य, मतलब किसी चीज की मात्रा या किसी बात की महत्ता इतनी है कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, ध्यान देने लायक नहीं है वो। इसका बताना है हमें सिनोनियम, तो ये रहेगा सिनोनियम। अगर एंटोनियम पूछते तो ये भी एंटोनियम है और ये भी एंटोनियम रहता है इसका इसका, और ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के सिनोनियम है ये। तो हमारा जो ट्रिवियल है उसका सिनोनियम रहेगा हमारा इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि हमें महत्वहीन या तुच्छ या नगण्य बताना था। आंसर तीसरा, इसका आंसर आपको बताना चाहिए था। इसे पढ़ते हैं मिसेलेनियस। तो मिसेलेनियस मीन्स होता है मिश्रित, मिला हुआ। जैसे कि आप ऐसा करके समझ लो, जब आपको मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊं और नाउन के चैप्टर की एरर आपको दूं, नाउन के चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन दूं, तो सारे क्वेश्चन नाउन 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 के होंगे, तो वो मिसेलेनियस नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपकी मिली जुली एक्सरसाइज करा रहा हूं जिसमें नाउन के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, नरेशन, डिग्री, हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो वो एक्सरसाइज आपकी कहलाएगी मिसेलेनियस एक्सरसाइज। इसीलिए जब भी कभी आपको आपकी किताब में मिसेलेनियस एक्सरसाइज मिलती होगी तो आपको सभी तरीके के क्वेश्चन मिलते होंगे। तो ये मिसेलेनियस हो गया मिश्रित या अलग अलग प्रकार का, तो आंसर रहेगा इसका वेरियस। अगर ये होता तो शायद ये भी बन जाता आंसर, लेकिन ये इनडिफरेंट है, ये उदासीन होता, जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। तो मिसेलेनियस का आंसर चौथा रहेगा। फिर आते हैं वैन, एक ईडियम भी है इसके ऊपर, ऑन द वैन। इसका मतलब होता पतन की ओर, गिरावट की ओर, मतलब कमी आना। लेकिन आप ध्यान दें, हमने एंटोनियम पूछा तो आंसर ये रहेगा बढ़ना, ये होगा इसका सिनोनियम। लेकिन ध्यान रखा करो पूछा क्या है हमने, तो एंटोनियम पूछेंगे ग्रो, और ये ईडियम है, इसका आंसर भी ग्रो बन जाएगा। फॉरलॉर्न, ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति, ऐसी पत्नी, खास करके बच्चों के लिए जिन्हें त्याग दिया गया हो, जिनके माँ बाप ने छोड़ दिया हो उन्हें, और वो अनाथ के रूप में कहलाएंगे, वो दुखी होंगे बहुत ज्यादा। तो ये होता है छोड़ा हुआ या दुखी या हताश। लेकिन फिर वो ये बात हमने पूछा है एंटोनियम, तो आप बताएंगे हैप्पी, और अगर सिनोनियम पूछते तो कौन सा आंसर लगाते हैं हम, डिजर्टेड, क्योंकि डिजर्ट होता छोड़ना, तो डिजर्टेड बन जाएगा इसका। टू कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, सोचें इसके बारे में क्या हो सकता है, ये ईडियम है कि ये बच्चों, इसका मतलब होता है इतनी ज्यादा कीमत चुकाना कि समझो कि आपको अपने हाथ पैर की भी जो है कीमत चुकानी पड़ सकती है, मतलब वो आपको देने पड़ सकते हैं दूसरे को, यानी कि ऊंची कीमत चुकाना। तो इसका आंसर रहेगा टू पे हाई, यानी कि बहुत ऊंची कीमत चुकाना। फिर आते हैं ड्रॉप ऑफ ए हैट। ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स होता है तुरंत, इमीजिएटली। इसका आंसर रहता है हमारा इमीजिएटली, कोई काम हुआ तो तुरंत हो गया वो, ड्रॉप ऑफ ए हैट। फिर हिट द सैक, इसका मतलब होता है सोने चले जाना, गो टू बेड, गो टू बेड। हम इस वीडियो को छोटे से छोटा रख रहे हैं, इसीलिए हम तुरंत आंसर देते हैं, ये नहीं करते कि रुकें फिर आंसर दें, वीडियो लंबी जाती है उससे, आपको फिर परेशानी पड़ती है। 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो रहती है, आप इसे एंजॉय कर ले करो। हाँ, अगर आपको आंसर देने हैं अपने आप, तो शुरू में पॉज करके सबके आंसर लगाओ, फिर आंसर सुना करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।